अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग ईए डाइटिशियन। जो शुगर के पेशेंट्स हैं, ये जो वेट लॉस जर्नी में होते हैं, वो अक्सर शुगर फ्री बिस्किट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है या इसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं होगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। तो आए हम देखते हैं कि शुगर फ्री बिस्किट्स आपकी सेहत के लिए किस लिहाज से नुकसानदेह हैं। तो आए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बेसिकली ये जो नमकीन बिस्किट होती हैं, जैसे टफ शुगर फ्री बिस्किट, होल वीट प्लस के नाम से बिस्किट हैं, कुछ लोग वेट लॉस कर रहे हैं, ये शुगर वाले पेशेंट्स की शुगर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। वो इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का पूरा पोर्शन मौजूद होता है। आपको लग रहा होता है कि इसके अंदर शुगर वगैरह मौजूद नहीं है, चीनी मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अंदर कार्ब्स वगैरह मौजूद होते हैं जो आपके वेट को स्टक करवा देते हैं, आपकी शुगर को बढ़ा देते हैं। टाइम में ये सोचकर मत खाएं कि ये आपका वज़न कम करवाएंगे या वज़न को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन ये आपका वज़न स्टक शुरू करवा देंगे। इसलिए हमेशा हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश करें। तो आए हम कुछ स्नैक ऑप्शंस देखते हैं कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आप स्नैक टाइम में मीडियम साइज़ फ्रूट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स का मतलब ये है कि एक मुट्ठी के अंदर जितनी इजीली आपके नट्स वगैरह आ जाएं। इसके अलावा आप काले भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे हेल्दी ऑप्शन हैं। इसके अलावा आप छल्ली वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी आपका वज़न कम कराने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई है। बजाय इसके कि आप अनहेल्दी चीज़ें खाएं और इसकी वजह से आपका वेट स्टक हो जाए। इसके अलावा अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप कस्टमाइज डाइट प्लान हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू।